तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। और परीक्षित महाराज खुल जाए गो फूटो तेरो भाग रे जग जाए गो फूटो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी खुल जाए गो फूटो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई 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 राम चरण अनुराग रे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी खुल जाए वो तेरो भाग रे जग जाए वो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो और ये श्रीमान डॉक्टर मोहन सिंह जी सनोक श्री पन्नालाल सोनी जी गढ़ीलाल सिंह एवं श्री सतीश चौधरी सनोक रामवीर सिंह बिजहारी महाराज सिंह बिजहारी एक टीन तेल 1100 रुपए एक कट्टा गेहूं और एक कट्टा चिरबा प्रसाद का और 151 रुपए ब्याज के लिए दान कर रहे हैं। भगवान इनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
तन संग कर हाँ कागा से तो ए हंस करेंगे 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 मिट जाए उर के दाग रे मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी है हो मोहन सामे बहुत दिन सोए मोहन सामे बहुत दिन सोए मोहन सामे बहुत दिन सोए जाग सके तो अब जाग रे जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी भूल जाए तो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी भूल जाए तो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम बड़ी सुंदर भाव के साथ में देखेगा जी स्वामी सुखदेव जी ने कहा है भैया यह मनुजी महाराज के पुत्र उत्तानपाद के वंश में आगे अंगमैन नाम के प्रतु नाम के राजा हुए हैं जिनने बहुत अच्छी प्रीति से राज्य का संचालन किया और उसके बाद में देखिए बहुत सुंदर बात कही है यह बताइएगा
परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, प्रभु जी जो प्रियवत थे मनु जी के दूसरे पुत्र थे, प्रियवतो भागवत आत्मा रामम कथम मुने ग्रहे रमतम यनमूलह कर्म बंधह परावव। कितना सुंदर प्रश्न है कि इतनी सुंदर बात, प्रियवत जो बड़े ही भागवत वक्त थे, आत्माराम थे, भजन करने वाले भागवत भक्त, भगवत चर्चा बहुत ही आनंदमय भाव, मन में बड़ी सुंदर विचित्र बातें और देखिएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में कैसे आए, उनकी गृहस्थ आश्रम में रुचि कैसे हुई। तो देखिए कितना सुंदर कहा है, आप समझने की प्रयास करना जरा। उन्होंने कहा है भैया ये नारद जी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, प्रियवत उत्तानपाद या उनके पुत्र थे मनु जी के, सृष्टि को आगे बढ़ाना ब्रह्मा जी का कार्य है। देखिएगा प्रियवत को नारद जी जब मिल गए तो एक बात का ध्यान रखना, जिस प्रकार के डॉक्टर के पास में जाओगे इलाज वैसा ही होगा। आपको बुखार आ गया है, किसी गांव के डॉक्टर के पास चले जाओ तो वह 50 रुपए की दो पुड़िया बना के दे देगा, आपका बुखार उतर जाएगा, आपका उस पर विश्वास है। किसी बड़े डॉक्टर पर चले जाओगे तो बोतल लगा देगा, झाड़ फूंक वाले पर चले जाओगे तो वह झाड़ फूंक कर देगा, किसी बाबा के पास संत के पास आ जाओगे तो मंदिर में बिठाल करके रखिया लगा देगा। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे वैसे ही दवा होगी। इसी प्रकार नारद जी उन्हें मिले ना, नारद जी से कहा प्रियवत ने कि अपने जीवन में क्या करना चाहिए यह बताओ। नारद जी ने कहा जीवन में क्या करना चाहिए, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, भजन करो और कुछ नहीं। क्योंकि नारद बाबा का स्वयं तो कोई अपना घर है नहीं, न कोई बच्चे, न पत्नी, न परिवार, न घर। उस जैसा भाव था वैसा ही बोल दिया कि भजन करो आनंद से, इसलिए भैया सन्यासी बन जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा या नारद इस प्रकार से सबको सन्यासी बना देगा तो फिर मेरी सृष्टि का क्या होगा भाई, ये आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए नारद जी के उपदेश को पाकर के प्रियवत तपस्या करने चले गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर के कहा उनसे पुत्र या तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक अपने मन के अंदर कामाद शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त न करें तब तक किसी तपस्या को करने से कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें बहुत सुंदर कहा सबसे पहले क्या कार्य करना है। उन्होंने कहा है भैया सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और उस गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने बच्चे, परिवार, माता पिता, रिश्तेदार, नातेदार, इन सब के संबंध को अच्छी तरह से निभाओ। ऐसा नहीं है कि अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो बाकी सबको बुरा भला कहो, नहीं, सबके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी संगति, अच्छा स्नेह दिखाओ। जब हम दुनिया के साथ में सबके साथ में अच्छा स्नेह, अच्छा भाव दिखाएंगे तो सरल हो जाएंगे। और सुनो उसके बाद में कहा है भैया फिर अपने परिवार में रह करके ही अपने कामाद जो शत्रु हमारे पास में हमारे अंदर रहते हैं, वासनाएं, कामनाएं, काम जो प्रबल होता है, ये सारे शत्रु जो हमारे अंदर बैठे हैं ना, इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना प्रारंभ करो। ऐसा नहीं है आप कहें कि भाई आज बैठ जाए हम पालती मार के तो आज ब्रह्म हो गए, आज के बाद में कामाद शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। भोगों से योग की स्थिति में जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और बड़ा सुंदर का धीरे धीरे एक साथ नहीं, धीरे धीरे अपने कामाद शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहो और अपने जीवन से उन्हें एक एक करके निकालते रहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि जैसे वासनाओं का परित्याग कर दो। और जब धीरे धीरे हमारे घर में रहते हुए बच्चों के साथ, पत्नी के साथ होते हुए भी जब हमारे अंदर के कामाद शत्रु निकल जाएंगे तो फिर हमें दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा घर ही हरिद्वार हो जाएगा। किसी जंगल में, किसी वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा घर अपना घर ही हरिद्वार हो जाएगा। और वह कहना है भैया जो भोगी होता है ना
वो जंगल में जाकर के तपस्या करे ना, तब भी भय है। गुफा और खोदले अंदर जमीन में, वहां जाकर के पर्वतों में जंगलों में चला जाए, लेकिन जो भोगी है उसके लिए वहां भी भय है, अनेक गुफाओं के अंदर भी। लेकिन जो योगी है वो अपने घर पर ही रहे तो कोई भय नहीं, योगी है तो कोई भी भय नहीं, कोई भी डर नहीं है, क्योंकि योगी है वो। इसलिए भोगी नहीं, भोगी बनकर के वन में नहीं जाना है, योगी बनकर के घर पर रहना है साहब, ये विचार अपनाया। और देखिए इतना सुंदर कहा है, कितनी सुंदर बात। बाड़ी सुनी बिरंच की बोले राजकुमार, जो प्रभु आज्ञा आपकी क्यों न हो स्वीकार। कोई अच्छी बात हमारे समझ की आ जाए और किसी के द्वारा हमें मिल जाए, तुरंत ग्रहण कर लो, उसे छोड़ो मत। जीवन में उतरने की कोई बात, हमारे जीवन को संभालने की बात किसी ने बताई और हमें अच्छा लगा कि ये सत्य है, इसे होना चाहिए, तुरंत ही ग्रहण कर लो, गांठ बांध करके ठोक में, उसे निकलने मत दो, भूल मत जाओ उसे, ऐसा करो। वही किया। और देखिए इन्होंने बहुत सुंदर प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहर सुमति के साथ विवाह किया, 10 पुत्रों को उत्पन्न किया इन्होंने। प्रियवत ने 11 अवरुद्ध वर्ष तक राज्य किया। यह प्रियवत जी महाराज ही हुए हैं जिन्होंने भगवान सूर्य पर आक्रमण किया है। यह रात्रि न हो इसलिए भगवान सूर्य को परास्त करना चाहते हैं, और कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से युद्ध बार बार करते हैं, बार बार युद्ध कर रहे हैं। लेकिन मनु जी ने समझाया है रात्रि निशा ये जरूरी है, इसे आप बदल नहीं सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इन्होंने उनके समझाने पर युद्ध को बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने भगवान सूर्य पर 7 बार आक्रमण किया था और 7 अलग जगहों से किया था। इनके रथ के पहियों की खाइयां बन गई थी, उसी आधार से इन्होंने 7 द्वीपों की रचना की थी। आप कहते हैं ना सप्तद्वीप नवखंड में, जो 7 द्वीप है ना, ये प्रियवत के ही बनाए हुए, उनके आधार से ही ये बने, और अपने 7 पुत्रों को उन द्वीपों का अधिपति बना करके ये वन में तपस्या करने चले गए। और देखिएगा उसके बाद में इनके वंश में आग्निंद्र नाम के पुत्र हुए, जिनके यहाँ 9 पुत्र हुए हैं। इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 वर्ग बना करके अपने पुत्रों को बांट दिया है। आगे देखिएगा मेरु देवी से ऋषभ देव जी को उत्पन्न किया है, ये भगवान के अंशावतार हुए हैं, ऋषभ देव भगवान। प्रेम से बोलेंगे ऋषभ देव भगवान की जय हो। इनके यहाँ पर 100 पुत्र हुए हैं। ऋषभ देव जी के आधार से अंक अक्षर लिखना, खाना पीना, भूमि को समतल करना, यह बहुत सी बातें, बड़ा अच्छा भाव, यह चक्रवर्ती सम्राट हैं दुनिया के ऋषभ देव। मैं आपको एक बात और बता दूं, यह इतनी बड़ी सनातन धर्म का प्रचार करते हैं कि इतना बड़ा वैभव होने के साथ साथ भी अवश्य ही निश्चित रूप से यह अपने सारे पुत्रों को बिठाल करके उनके लिए 1 घंटे का समय देते हैं। और देखिए उसे 1 घंटे में आप क्या करते हैं भैया, या 1 घंटे प्रतिदिन हरी चर्चा करते हैं अपने पुत्रों से। अब आप कहेंगे महाराज जी हमें टाइम नहीं मिलता, मन तो बहुत करता है कि बच्चों को बिठाल करके कुछ चर्चाएं करें, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। अब आपको अपने जीवन में टाइम नहीं मिल रहा है, 1 घर के मालिक को, 1 परिवार को संभाल रहे हो बस केवल, और टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन यह दुनिया को संभालते थे, सम्राट थे दुनिया के, लेकिन फिर भी कितना कार्य भार इनके जिम्मेदारी में हुआ करता था, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए यह समय निकालते थे, और केवल उस समय में क्या करते थे, हरी चर्चा। जीवन कैसे चलना चाहिए, जीवन को पाकर के क्या करना चाहिए, इतना सुंदर जीवन तुम्हें मिला है, ये जीवन को पाकर के हम क्या कर रहे हैं भैया, ये सीख लेना ही जीवन को जीना है। और देखिए एक बार अपने पुत्रों को बिठाल करके इन्होंने बहुत सुंदर पूछा है, उपदेश किया भैया, ना हम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान हे तो विडंभ जाए, तपो दिव्य पुत्र का येन सत्वम
शुद्धये दशमात् ब्रह्मा सौख्यत्वन्तम। अपने पुत्रों को बड़ी सुंदर राह शिक्षा दे रहे हैं कि ये मानव जीवन जो मिलाए क्यों मिलाए, किस लिए मिलाए।